हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। अभी तक हमने एक्सेल के अंदर 10 टॉपिक कर चुके हैं दोस्तों। आज का हमारा है 11th टॉपिक, और आज के टॉपिक का नाम है दोस्तों, हम एक्सेल के अंदर सेल का कलर कैसे चेंज करें और टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करें। दोस्तों हम क्यों करते हैं एक्सेल में सेल और टेक्स्ट का कलर चेंज? क्योंकि दोस्तों हमें बेटर प्रेजेंटेशन करना होता है। सो दोस्तों हम अपने टॉपिक पे चलते हैं ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो दोस्तों ये एक सीट दी हुई है। अब दोस्तों इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरे जो सेल्स हैं, है ना, सेल पता ना दोस्तों आपको क्या होता है सेल्स, जो भी ये बॉक्सेस हैं इन्हें सेल्स कहा जाता है, ठीक है। सो दोस्तों अभी हम कलर करने वाले हैं, इनको सेल्स को कलर करने वाले। सो मैं दोस्तों हम सेल का कलर इसलिए चेंज करते हैं कि हमारी जो एक्सेल है देखने वाले को एक आकर्षक लगे, उसे देख के मतलब एक प्रॉपर चीज़ें समझ में आ जाए। जैसे दोस्तों कलर हमने दे दिया, कलर दे देते हैं, जैसे मान लो सैलरी का हमने जो अमाउंट्स में है डेटा उनका कलर अलग दे दिया, एम्प्लॉई कोड का एक अलग कलर दे दिया, डेज का अलग दे दिया, मंथ और डेज मांग सकते हो इनका एक दे सकते हो, या तो नेम का एक दे दिया, सीरियल नंबर का एक दे दिया, सैलरी शीट का अलग दे दिया, है ना। बाकी नीचे टोटल का आप अलग दे सकते हो, यहाँ टोटल का अलग दे सकते हो आप। सो दोस्तों हम चलो चेंज करते हैं। दोस्तों आपको कलर चेंज करने के लिए सेल का होम टैब के अंदर आपको फॉन्ट के अंदर आना है। फॉन्ट के अंदर आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो ये पेंट वाला बॉक्स दिख रहा है जो कि पेंट को बिखेर रहा है, इसके अंदर जाना है। इसके अंदर आपको यहाँ पे जो इसके डाउन एरो पे क्लिक करना है अपने माउस से। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको काफ़ी कलर दिखेंगे, जैसे थीम कलर्स और स्टैंडर्ड कलर, आप इनमें से चूज कर सकते हो। जैसे मैंने मान लो मैंने इस पर सेलेक्ट किया हुआ है सीट पे, ये सिलेक्ट हो रखा ग्रीन ग्रीन पूरा हो रखा है इसका चारों। अब मैं जहाँ पे भी अपने माउस को ले जाऊँगा वो उसका कलर चेंज हो जाएगा, जैसे ऑरेंज सेंट हो गया लाइटर, ये गोल्ड हो गया, ग्रीन हो गया, जैसे ब्लू हो गया। जैसे मैं जिस पे क्लिक करता जा रहा हूँ, जैसे मेरे को थीम्स कलर अच्छे नहीं लगे दोस्तों, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ स्टैंडर्ड कलर में से चूज कर सकता हूँ। कलर चूज करना भी एक दोस्तों आर्ट है। यदि आपने जहाँ पे क्या बोलते हैं डार्क की जगह मतलब लाइट कर दिया या लाइट की जगह डार्क कर दिया, वो भी एक अलग प्रेजेंटेशन दिखता, मतलब सामने वाले की आंखों में चुभने वाला कलर ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए ग्रीन है, ये है, फिर मोर कलर्स मेरे को ये भी अच्छे नहीं लग रहे, स्टैंडर्ड कलर भी मान लो अच्छे नहीं लग रहे, मैंने थीम कलर में से भी अच्छा नहीं लग रहा, तो इसके बाद क्या मैं मोर कलर में जा सकता हूँ। मोर कलर में आपको काफ़ी कलर की वैरायटी मिलेगी, तो मैंने मोर कलर पे प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड कलर आ गए कि एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट वालों ने इतने कलर बनाए हुए उसमें से आप चूज कर सकते हो। ये देखिए जो भी आपको चूज करना वो यहाँ पे होगा। ओके प्रेस करने के बाद वो वहाँ पे चेंज होगा, कोई भी ले लो, ये ले लो, नहीं चलो मेरे को ये भी पसंद नहीं आया। इतने कलर देखने के बाद तो दोस्तों एक्सेल ने माइक्रोसॉफ्ट ने आपको एक ऑप्शन और दिया है कि आप अपने अनुसार कलर बना सकते हो। तो आप जाएंगे कस्टम के अंदर और यहाँ से आप अपने इस एरो को उठाएंगे और यहाँ पे आपको जैसा कलर सेलेक्ट करना है वो कलर सेलेक्ट करेंगे। जितने भी कलर है, जैसे मान लो ये है, ये है, ये है, इतने में से मान लो ये सेलेक्ट करना था हमें ब्लू। अब ब्लू में भी मेरे को क्या है कि डार्क ब्लू की क्या बोल सकते हैं उसे, जैसे कम ब्लू या लाइट ब्लू बोल दो, लाइट ब्लू कर सकते हैं। तो मेरे को मान लो लाइट ब्लू करना है तो मैं इस एरो पे साइड में जो एरो आ रहा है इससे ऊपर नीचे करूँगा। ये देखिए जैसे मैं करूँगा, ये देखिए चेंज होता रहेगा यहाँ पे न्यू पे, पहले सफ़ेद था यहाँ पे, अब न्यू लाइट स्काई हो गया, स्काई हो गया। तेज मेरे को ज़्यादा मतलब डार्क करना है तो डार्क कर सकते हैं, जैसा मेरे को लेना है, मान लो मेरे को यहाँ तक इतना ही लेना है, ठीक है। तो ओके किया मैंने, इसके बाद मैं ओके करूँगा तो यहाँ सैलरी शीट का कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए ये सैलरी शीट का कलर चेंज हो गया। अब मेरे को क्या करना है दोस्तों, ये बेसिक HRA और मिसलेनियस और ग्रोथ सैलरी का कलर चेंज करना है। तो मैं इन चारों को सेलेक्ट कर लिया। मैंने चारों को सेलेक्ट करने का तरीका क्या बताया, या तो आप अपने माउस से कर सकते हो, कौन से बटन को प्रेस करके करोगे, अपना लेफ्ट बटन
प्रेस करके रखोगे और अपने माउस को जिधर सेलेक्ट करना उधर लेके जाओगे, ठीक है ठीक है। या आप अपने शिफ्ट के साथ कर सकते हो, एरो के साथ, शिफ्ट प्लस एरो। एरो वाले बटन कौन से होते हैं मैंने बताया, फिर भी बता देता हूँ, ये एरो वाले बटन है, जिस तरफ आपको जाना है उसी तरफ आप सेलेक्ट करोगे। सो देख लो, शिफ्ट प्रेस करना है और एरो से जिस इस तरफ सेलेक्ट करना है मेरे को राइट हैंड की, तो राइट हैंड वाला एरो यूज में लेंगे। ये कर लिया, अब इसमें मैं कलर चूज करना है मेरे को कैसा देना है। मान लो मेरे को सैलरी का कलर, जो अमाउंट्स में डेटा उसका कलर मैं मान लो मैंने ब्लू दे दिया, फिर एम्प्लॉय कोड का मैंने एक अलग कलर दे दिया, ग्रीन दे दिया, मंथ और डे का एक अलग कलर दे दिया। ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों आप सभी के कलर दो या नहीं दो, वो आप पे डिपेंड करता है। नेम का मैंने एक अलग कलर दे दिया, ये हाँ सामने वाले को देखने पे अच्छा लगे चीज़ों को, ठीक है। ये हो गया, ये था हमारा कलर प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब इसके बाद आप टोटल का अलग दे सकते हो। ये तो था दोस्तों हमारा सेल कलर चेंज करना, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम चेंज करने वाले हैं टेक्स्ट का कलर। टेक्स्ट कलर मतलब ये जैसे श्याम लिखा हुआ है, इसका कलर कृतिका ऐसे। अब मैं चाहता हूँ कि दीपक की सैलरी सबसे मतलब कम है, तो इसी की सैलरी हाईलाइट हो, या जितिन शर्मा इसकी सैलरी ले लो, इसकी सैलरी ज़्यादा है तो इसकी मतलब मैं अपने एम्प्लॉयर के सामने इनकी दोनों की सैलरी मतलब मैं वो करना चाहता हूँ, क्या बोलते हैं, हाईलाइट। तो हाईलाइट के लिए मैं क्या करूँगा दोस्तों, मैं क्या करूँगा जतिन पे जो मेरे को जहाँ तक का सेलेक्ट करना है वहाँ तक का सेलेक्ट कर लूँगा। मान लो मेरे को जतिन जतिन करना था, तो ये जतिन कर लिया मैंने। कैसे किया मैंने, कंट्रोल शिफ्ट और एरो के साथ, ठीक है दोस्तों। अब मेरे को कलर, टेक्स्ट कलर चेंज करना है ना, तो दोस्तों टेक्स्ट का कलर वैसे ही होम टैब के अंदर जाने वाले हम, उसके बाद हम फॉन्ट में जाएंगे सेकंड सीरीज में, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे ए लेटर दिख रहा है हमें और साथ में उसके कलर दिख रहा है, तो ये दोस्तों क्या है, इसे बोलते हैं फॉन्ट कलर। ये क्या करता है, चेंज द कलर ऑफ योर टेक्स्ट। सो आपको क्या करना है इसके लिए, आपके वही क्लिक करना है जैसा हमने सेल्स के अंदर कलर चेंज किया था, वैसे ही यहाँ पे ऑप्शन मिलने वाले हैं आपको। कितने भी जैसे आपको बनाना है, जैसे मेरे को मान लो रेड से करना है हाईलाइट, ज़्यादातर हम रेड से ही करते हैं, येलो से कर लो तो बहुत मतलब वो कर लगता है, बाकी जैसा भी आपको कलर देना है। ये मैंने रेड कलर दे दिया, रेड कलर से मैंने क्या किया इसको हाईलाइट कर दिया। और दूसरी थी मान लो दीपक की, और दीपक की भी मैंने रेड से ये कर दिया। ये तो था हमारा टेक्स्ट कलर, और ये था हमारा क्या दोस्तों, सेल्स कलर। सो दोस्तों ये हमारा आज का टॉपिक था कि हम एक्सेल के अंदर अपने इसको सेल के कलर को और टेक्स्ट के कलर को कैसे चेंज करें, है ना। और दोस्तों इसका शॉर्टकट, अब मान लो दूसरी चीज़ और ले लो साथ में, कि सेल का कलर तो चेंज कर दिया, अब इसको दोस्तों सेल को वापस से वैसा का वैसा करना है तो कैसे करेंगे। सो दोस्तों इसके लिए हमें सेल को कलर का वापस वैसा का वैसा ही अंडू करना है। तो अंडू में तो मान लो मैं वो प्रॉपरली करेगा, पहले जीती हमने लास्ट में जीतीन दीपक को किया ना, पहले वो दीपक को करेगा, फिर जीतीन को करेगा, फिर हमने इसको किया, इसको इसको ऐसे करेगा मान लो। पर मेरे को तो इसको ही करना है, सैलरी शीट को ही करना है या नेम को ही करना है अनकलर्ड, तो उसके लिए मैं वापस से कलर वाले बॉक्सेस में इसमें जाऊँगा, ठीक है, फिल कलर में। और इसके बाद नीचे नीचे देखिए दोस्तों, सेकंड लास्ट आ रहा है नो फिल, नो फिल उस पर प्रेस करना है। उस पर प्रेस करते ही ये देखिए दोस्तों अनकलर्ड हो गया ये। अब दोस्तों आप कहोगे सर वाइट से भी तो कर सकते थे हम, पर दोस्तों वाइट से पता क्या हो जाता है, दिखाता हूँ। वाइट वाइट दोस्तों एक कलर है जिससे आपकी ये जो लाइनें आ रही है ना, जो बॉक्स के चारों ओर लाइनें आती है वो भी वाइट हो जाएंगी। ये देखो मैं जैसे करके दिखाता हूँ, ये देखो वाइट कलर चूज करने पे ये वाइट कलर है, और ये चूज करते ये देखो, ये देखो चारों तरफ की लाइनें हट गई इसकी, तो ये वाइट कलर है दोस्तों, ठीक है। सो ये तो था अनफिल करना। और टेक्स्ट को आप वाइट से ही करोगे, मतलब सॉरी टेक्स्ट को आप ब्लैक कलर से ही करोगे, ऑटोमेटिक पे क्लिक कर दोगे तो आपका कलर वैसा का वैसा हो जाएगा। देखिए नीचे कलर पे इस पर मैंने टिक किया तो नीचे दीपक वाला अपने आप ब्लैक कलर हो जाता है। सो ये था हमारा दोस्तों आज का टॉपिक। इस टॉपिक में हमने सीखा कि कलर चेंज, सेल का कलर और टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करें। दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें,
लाइक करें मेरे वीडियोज को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मेरे चैनल का नाम है दोस्तों लर्निंग एजू पॉइंट, और उसके आपको अपने यूट्यूब के सर्च बार में जाना है, वहाँ पे लर्निंग एजू पॉइंट सर्च करना है, उसके बाद आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा और उस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको बेल आइकन दिखेगा, बेल आइकन पे क्लिक करना है, और जिससे आपको जैसे ही मैं नए वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब मोबाइल पे आती रहे और आप उनको प्रॉपरली देख लो। थैंक यू दोस्तों।